दोस्तों आज मैं आपको यह तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के कौन कौन से तरीके हैं जिसका आप यूज करते हुए, उन बातों को ध्यान रखते हुए आप कैसे अपने टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों सब जो सैलरी पर्सन होते हैं, सैलरी मीन्स जिनको मंथली के हिसाब से सैलरी मिलती है और वह अपना सैलरी का यूज करते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, तो उसमें से कुछ पैसा उनको टैक्स के रूप में भारत सरकार को देना पड़ता है। तो अगर मैं आपको आज यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अपने सैलरी को मैनेज करके टैक्स को बचा सकते हैं, किस प्रकार से आप उसका अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से आप जानेंगे कि आपके सैलरी का कितना भाग जो है टैक्स के रूप में देना पड़ेगा और कितना भाग आप सेविंग कर सकते हैं और वह सेविंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आज इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत आप 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। वह 1.5 लाख तक की बचत जो है आप बच्चों की ट्यूशन फीस के रूप में, LIC के रूप में, PPF के रूप में, या सुकन्या के रूप में, या म्यूचुअल फंड की जो टैक्स सेवर स्कीम है उसके रूप में आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। एक और स्कीम है NPS की, Tier 2 स्कीम है, उसमें भी अगर आप 3 साल का लॉकिंग पीरियड रखते हैं, 3 साल तक पैसा नहीं निकालते हैं, तो उसमें भी 1.5 लाख तक की बचत का एक हिस्सा जमा कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जो आपकी सैलरी होती है वह सैलरी आपकी 2 भागों में बांटी जाती है। पहला है टैक्सेबल जो आपकी होगी और दूसरा होगी जो जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि राशन मनी वगैरह होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है, और बाकी जो होती है उस पे टैक्स लगता है। इस प्रकार आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी 7 लाख सैलरी है या 8 लाख सैलरी है और उसमें मैं कितना बचत करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, इन सब के लिए उतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात है कि जो आप सैलरी पाते हैं उसमें से 50,000 रुपये भारत सरकार द्वारा इन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में आपको दिया जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए के ऊपर जो ही आपका अमाउंट होगा तो 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 5.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम में आपको किसी तरह की कोई टैक्स नहीं देनी होगी। इसी तरह अगर आप किसी पेंशन स्कीम का पार्ट है या पेंशन स्कीम आपने चूज कर रखी है तो उसमें भी आपको 50,000 तक की छूट मिलती है, 50,000 तक का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो NPS Tier 1 अकाउंट के अलावा। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन की जो EMI आप पेड कर रहे हैं वह EMI, जैसे कि आपने 1 साल में टोटल 3 लाख रुपए पेड किए हैं, तो उस EMI के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट। तो 3 लाख में से जनरली आपका 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में होगा, बाकी के 2 लाख आपके इंटरेस्ट के रूप में होंगे। तो 1 लाख रुपए आप जो आप 80C में दिखा सकते हैं और दूसरा जो 2 लाख रुपए है वह होम लोन इंटरेस्ट के रूप में आप शो कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो है 5 लाख रुपए तक आपका 0 था, इसके बाद आपका 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। अगर किसी पेंशन फंड में आपने अलग से इन्वेस्टमेंट किया तो 50,000 रुपए का अन्य मिल गया, इसका मतलब हो गया कि आपको 2.5 लाख का मिल गया, तो 7.5 लाख रुपए हो गए। अगर होम लोन का अगर आपने लिया है तो 9.5 लाख हो गया, 2 लाख का होम लोन का हो गया। और अगर आपने अपने परिवार के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम ले रखी है तो उस पर भी जनरली इन्वेस्टमेंट के रूप में आप 50,000 रुपए तक का आपको जो है लाभ मिल सकता है, यानी कि आपका 10 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम होने पे कोई भी आपको टैक्स दे नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो एजुकेशन लोन में मिलने वाला इंटरेस्ट भी इसमें एग्जम्प्टेड होता है टैक्स में, और उस पर भी आप जो है इंटरेस्ट में एग्जम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने किसी मंदिर को, किसी राजनीतिक पार्टी को या फिर किसी संस्था को आपने दान दिया है तो उसमें भी कुछ अमाउंट 100% होता है, कुछ 50% तक होता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किसको डोनेशन दिया है, तो उसमें भी आपका वह इनकम टैक्स की छूट की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अगर आप अपने
मिलने वाले सैलरी को अच्छे से मैनेज करके और सोच समझ करके आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपका जो आने वाला इनकम टैक्स है उससे आप अपनी बचत कर सकते हैं। नहीं तो ज्यों ही आपकी सैलरी 5 लाख क्रॉस करती है उसी समय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच